हेलो गाइस, वेलकम टू न्यूज़ अपडेट। प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर लेना। गाइस देखिए, टीज़र तो कल आने वाला है 150 पर। पहले 250 पर आ रहा था, लेकिन टाइम चेंज कर दिया है ना, क्योंकि एकता कपूर ना इनमें ग्रह नक्षत्रों में बहुत ज़्यादा मानती है। और मुझे लगता है ये जो टाइम चेंज किया ना, उन्होंने ही जरूर किया होगा अपने पंडित जी को दिखाकर, क्योंकि वो हमेशा ऐसे करती हैं। लेकिन ये क्या, टीज़र से पहले ही इतना बड़ा सरप्राइज़ फैंस के लिए? जी हाँ, आप देख सकते हैं खुद ही। एक्चुअली फैंस सुबह से मेहनत कर रहे हैं, देखिए ट्रेंड कर रहे हैं और ट्वीट्स कर रहे हैं, लगातार नए नए एडिट्स बना रहे हैं मूवी को प्रमोट करने के लिए, रील्स बना रहे हैं। तो देखिए, प्रोडक्शन हाउस ने भी सोचा क्यों ना फैंस को एक छोटा सा सरप्राइज दे ही दिया जाए। तो देखिए, नया पोस्टर आ गया है इस मूवी का, और जो शहनाज है सच में बहुत बिंदास लग रही है। क्या लुक है भाई! और शहनाज ही नहीं गाइज, जो पांचों की पांचों लड़कियां हैं ना, शहनाज को मिला के चार और हैं ना, सब बहुत बहुत ज़्यादा कूल लग रही हैं। और देखिए, जो इस मूवी के बारे में गूगल पर डिस्क्रिप्शन आया है, उसमें साफ साफ है कि शहनाज और जो भूमि हैं वो लीड एक्ट्रेस हैं। अब इसमें ऐसा होगा, शहनाज जो है वो सेकंड लीड में है, और वो पोस्टर्स से पता भी चल रहा है, क्योंकि मोस्टली पोस्टर्स में देखिए जो भूमि है वो बिल्कुल मेन में है, और शहनाज जो हैं बाकी सबके साथ हैं। हालांकि क्लियर कर दिया गया है कि बाकी सबका इतना रोल नहीं है, शहनाज सेकंड में है, और बाकी सब मिला के मूवी जो बहुत है, बहुत शानदार है। करण कुंद्रा भी इस मूवी का हिस्सा है। और देखिए, जो बॉलीवुड में शुरुआत होती है ऐसे ही होती है, उनका पोस्टर पर नाम भी नहीं है कहीं भी, एक पिक भी नहीं आया, लेकिन वो मूवी को पूरे जोरों शोरों से प्रमोट कर रहे हैं। मतलब जो भी शहनाज पोस्ट कर रहे हैं, जिस तरह से पोस्टर आ रहे हैं, जो भी आ रहा है सब कुछ वो भी लगातार डाल रहे हैं। तो देखा कैसे शहनाज को उसके टाइम किसी का भाई किसी के जान के टाइम ट्रोल करते थे, इतना सा रोल है ये वो। कम से कम शहनाज पोस्टर्स में थी तब, और उनको टैग किया जाता था। लेकिन यहाँ क्या, ट्रेलर में भी थी, लेकिन यहाँ क्या, यहाँ तो करण कहीं दिख भी नहीं रहे हैं, फिर भी देखिए वो बहुत जी जान से प्रमोट कर रहे हैं। यही होता है बॉलीवुड में फर्स्ट स्टेप। कॉन्ग्रेचुलेशन और गुड लक सभी को, पूरी स्टार कास्ट को, सारे फैंस की तरफ से। और अब तैयार हैं सब कल के ट्रेलर के लिए, और एक्साइटेड भी हैं, और बहुत मेहनत कर रहे हैं। थैंक यू गाइज़।